Hello, assalamu alaikum friends. Today we review on chicken white korma recipe. I chose this recipe from Food Fashion YouTube channel. He's created amazing food recipes, so must subscribe his channel. The channel link are in description. Must and follow me on Facebook, Twitter and Instagram. I also create a website in which you can search every type of food recipe over world. I hope you enjoy my this work. Now let's start video. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू फूड पैशन विद कुलसुम। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी। ये बहुत ही इजी है बनाना और ये बहुत डिलीशियस बनती है। आप इसे किसी फंक्शन या पार्टी के लिए बना सकते हो या वीकेंड पे बना सकते हो। तो आइए देखते हैं, हम चिकन वाइट कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आधा किलो चिकन, 4 मीडियम प्याज स्लाइस्ड, 20 से 25 काजू, 1 टेबलस्पून चार मगज या मेलन सीड्स, 200 ग्राम दही, 200 ml दूध, 3 हरी इलायची, 8 से 9 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला या गरम मसाला, 4 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 250 ml कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई गरम की हुई है, अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, क्योंकि हमें प्याज फ्राई करना है इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा ज़्यादा ऑयल। तो तेल हमारा यहाँ पे अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी अनियन। आप अनियन को थिनली स्लाइस करें या फिर उसे मतलब थोड़ा मोटा भी चलेगा, क्योंकि हमें अनियन को पीसना है। तो अनियन हमें तब तक फ्राई करना है जब तक वो स्लाइटली सॉफ्ट नहीं हो जाता। ब्राउन तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ब्राउन करोगे तो आपका जो कोरमा है वो वाइट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 10 मिनट्स में ये ऑनियन जो है इसकी जो टिप्स है ना, ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। तो मैं अब क्या करूँगी, अनियन को निकाल लूँगी। ओके, ऑयल पूरा ड्रेन करना है जितना हो सके। इसे मैं एक प्लेट में निकाल के साइड में रख दूंगी। ऑलराइट, तो ये मैं रख रही हूँ इसको साइड में। अच्छा, ये जो ऑयल है इसमें से मैं थोड़ा ऑयल निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप इसे दूसरे कोई करी या फिर कोरमा या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब मैं इसमें डालूँगी तेज पत्ता और सारे खड़े गरम मसाले। फिर इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्राई करना है। मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी। ऑलराइट, धनिया पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, धीरे मैं इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से स्टर फ्राई करना है ऑन हाई हीट, ठीक है ना, फ्लेम को हाई रखना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 1 टीस्पून नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो।
तो अब ये फ्राई होते रहेगी, तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये अनियन है यहाँ पे, अनियन एंड इसमें हम ऐड करेंगे कैश्यू नट्स, ओके, और ये चार मगल्स, ऑलराइट। इसका हम पेस्ट बनाएंगे दूध और दही मिलाकर। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग जार लिया हुआ है, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो कैश्यू नट्स, मगज और अनियन। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही और दूध। इसका अब हम एक पेस्ट बनाएंगे। ऑलराइट, ये पेस्ट हमारा हो चुका है रेडी, आप देख सकते हैं स्मूथ है काफ़ी। तो अब हम इसे ऐड करेंगे चिकन में। ऑलराइट, तो चिकन हमारा हो चुका है अच्छे से फ्राई, और मैंने जो है वो फ्लेम को किया हुआ है लो। ऑलराइट, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन एंड कैश्यू नट पेस्ट। अब मैं फ्लेम को हाई करके इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब यहाँ पर लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मैं मसाले को भून रही हूँ। ओके, मैं अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा पानी। तो लगभग 1 कप मैंने पानी डाला है यहाँ पर, इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत थिक होता है। ऑलराइट, अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला 1 टेबल स्पून भरकर। किचन किंग मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो किचन किंग मसाला नहीं मिला तो आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये मसाला डालने से इसमें हल्का सा बादामी रंग आएगा। ओके, थोड़ा और पानी ऐड करूंगी। टोटल इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 kg चिकन। अगर यही सेम क्वांटिटी में आप, सेम मसाले की क्वांटिटी में आप 750 ग्राम्स तक चिकन बना सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं फ्लेम को कर रही हूँ लो, और इससे मैं अच्छे से मिक्स करके इसे हम दम पे पकाएंगे अराउंड 10 मिनट के लिए। ओके, 10 से 15 मिनट में आपका चिकन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे फ्राई भी किया हुआ है, तो चिकन वैसे भी पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। सो आफ्टर 10 मिनट्स हम चेक करेंगे हमारा चिकन। आप देख सकते हो ऑयल ऊपर आ चुका है, दैट मीन्स कि हमारा जो चिकन है वो पक चुका है, और सारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। जब तक आपका मसाला कच्चा रहेगा ऑयल ऊपर नहीं आएगा। ऑलराइट, तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ केवड़ा वाटर, जो कि है अराउंड 4 टेबल स्पून। तो अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। ऑलराइट, केवड़ा एसेंस डालने के बाद 5 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊंगी, एंड देन इट्स रेडी टू बी सर्व। तो यहाँ पर हमारा व्हाइट कोरमा रेडी हो चुका है। आप इसे रोटी, नान, ब्रेड, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मस्ट टेल मी इन कमेंट हाउ यू थिंक अबाउट दिस डिश, एंड मस्ट लाइक माई वीडियो, and don't forget to subscribe my channel.